बांसगांव पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किए जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एसएसपी को ज्ञापन प्रेषित किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि बांसगांव के थाना प्रभारी अकारण कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसको लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के एमएलसी संतोष यादव उर्फ सनी ने कहा, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, पिछले दिनों हमारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता लोग आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे थे, ऐसे में बांसगांव का एसओ हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं राम अजोर मौर्या, उनको आके तत्काल मारना लेगा, जाति सूचक गाली देने लगा बदले की भावना से, क्योंकि आए दिन जो वहाँ घटना होती है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के लोग विरोध जताते हैं, उसी चिड़न में ये उसने कार्रवाई करी, जिसको लेके हम लोग समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी लोग आए एसएसपी को ज्ञापन दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मामला भी, तो मांग पूरी नहीं हुई है तो ऐसे ही संघर्ष चलता रहेगा। हम लोग का जो है यहाँ गोरखपुर से लेके लखनऊ विधानसभा सदन तक इस मामले को हम लोग उठाएंगे, सदन में उठाएंगे, कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी, भला देर हो, लेकिन प्रशासन अगर जो है लोकतांत्रिक तरीके को रखना चाह रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।